न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के शिवपुरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों को कोविड-19 टीकाकरण की समस्याओं के दौरान स्थानीय समस्याओं के निराकरण की मांग की है। इन मांगों में शासकीय अवकाश या रविवार के दिन कोई भी कार्य न किए जाने की मांग की है। इसी के साथ ड्यूटी का समय निर्धारित किए जाने की भी बात आवेदन में लिखी है। इसके साथ ही टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने का उल्लेख भी किया गया है। ऋतु श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? और मैं फीमेल हेल्थ वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश प्रवक्ता प्लस शिवपुरी जिले की जिला अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन लिया किस जी जी ज्ञापन हम लोगों ने जो हमारी फील्ड की और जो मेरी बहनें हैं ANM उनको समस्या हो रही हैं कि एक तो टाइम निश्चित नहीं है, कभी भी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक बुला लेते हैं। दूसरा गवर्नमेंट हॉलीडे जो मिलता है हम लोगों को वो भी हमारी बहनों को नहीं मिल रहा है। तो इसके उपलक्ष में हम लोग ने श्रीमान कलेक्टर सर और श्री CMHO सर को आवेदन दे रहे हैं कि ये हमारी मांगें मानी जाए। और मैं भाई अपने ललित मौर्य जी का समर्थन करती हूँ जो NBS संघ से हैं। तो बस यही है कि अधिकारियों को हम लोगों की परेशानियाँ समझनी चाहिए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग अपने वरिष्ठ संघ वालों से बात करेंगे और जैसा वो लोग आदेश देंगे हम उसी का पालन करेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके बाद जो भी वो लोग बोलेंगे हम लोग करेंगे। 3 तारीख से भी महाअभियान शुरू। हाँ, 3 तारीख से मान लो उसमें आपकी नाइट ड्यूटी लगाई जाती है या ओवर टाइम करवाया जाएगा तो क्या करेंगे? करेंगे उस काम को? काम तो देखो काम तो करेंगे काम के लिए, लेकिन उसका भी तरीका होता है। करेंगे काम लेकिन टाइम निश्चित होना चाहिए।